रैट रेस में, हाँ बैंड विगन इफेक्ट बिल्कुल, जो कैट की जो तुम रैट रेस में लगे हुए ना, ये रैट रेस खत्म करनी है और एक खत्म करके फिर निकल लो, फिर निकल लो अपना, एकदम एक्सेंट्रिक रखो अपना, ड्रीम फॉलो करो, ये सब मोह माया है। कमिंग एग्जामिनेशन इसके ऊपर मुश्किल नहीं आएगा, चलिए बनाते हैं उसको। हाइडेगर बिलीव दैट एरिस्टोटल्स नोशन ऑफ बीइंग, एरिस्टोटल साहब है हमारे, है ना, पुराने फिलोसोफर हुआ करते थे, उसका नोशन था बीइंग, बीइंग का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, ठीक है, वो नोशन था उसका साहब का। जो लोग बाद में सुन रहे हो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, पहले पॉज करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। विच हैड रन अ थ्रेड थ्रू द वेस्टर्न थिंकिंग, ओके, वो थ्रेड उसका कुछ था, विच रन थ्रू द वेस्टर्न थिंकिंग फॉर मोर देन 2000 ईयर्स, ओके, आंसर बदलने शुरू हो गए, वेरी गुड, 2000 साल से, हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, बड़ा बहुत बड़ा हाथ था भाई, बहुत बड़ा हाथ था एरिस्टोटल के जो बिलीफ था, वॉज फ्लॉड एट मोस्ट फंडामेंटल लेवल, हैं ये क्या बोल रहा है, सीधा मारी थी उसने, पहले बोल रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल थिंग एक्सेट्रा, एंड में बोल रहा है मोस्ट फ्लॉड, बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। यहाँ तो ऑथर ऐसी गंदी बातों से स्टार्ट करता है, गंदी बात से एंड करते हो, ठीक है भाई, नॉर्मली हम तो ये दिमाग में चलना चाहिए, यहाँ तो गंदी बात से अपन स्टार्ट करते हैं, गंदी बात से एंड करते हैं मोस्टली, पर देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डेथ अवेयरनेस एंड लीडिंग अ फुलफिलिंग लाइफ, देखो भाई डेथ के लिए अवेयर हो गया ना तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मरने वाले हो भाई, हम सब ये कोई पैसा वैसा बैंकों में पड़ा रहेगा तुम्हारा, एटलीस्ट हर बंदा, तुम लोग MBA करने वाले हो, तुम्हारे बैंक में एटलीस्ट एक करोड़ प्लस पड़ा रहेगा जो तुमने कभी देखना ही नहीं है, जो तुम्हारे बच्चे देखेंगे इन्जॉय करेंगे, जो तुम्हारा पड़ा रह जाएगा क्योंकि तुमने अपनी आगे की जनरेशन के छोड़ के जाना है, तो अवेयर हो जाओ। डेथ अवेयरनेस एंड लीडिंग अ फुलफिलिंग लाइफ वॉज अ सेंट्रल कंसर्न ऑफ द जर्मन फिलोसफर, ये मेन मुद्दा था मार्टिन जी का, मार्टिन हाइडेगर, किसी को सचिन तेंदुलकर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ या ना, किसी को मार्टिन की जगह सचिन तेंदुलकर दिख रहा है, मेरी शक्ल याद आ रही होगी, वेरी गुड, सचिन तेंदुलकर है, बहुत बाद में उसको हाइडेगर बोल, तेंदुआ बोल, जो मर्जी बोल, रूल ऑफ सचिन तेंदुलकर, आगे वेरी गुड। हुज वर्क इंस्पायर्ड जॉन पॉल सार्ट्रे एंड एग्जिस्टेंस थिंकिंग, अच्छा साहब बोलते थे डेथ की अवेयरनेस होनी चाहिए, लीडिंग फुलफिलिंग लाइफ होनी चाहिए, बहुत बढ़िया है ना भैया, और ये तो इंट्रो है पक्की बात है, और उसको बाकी जॉन पॉल वगैरह भी थे उनको भी थोड़ा वो इंस्पायर किया उन लोगों ने, ठीक है आगे चलते हैं, बी से स्टार्ट करेंगे, अब मजा आएगा। डिस्पाइट इज शॉर्ट कमिंग एज ए मैन, उसकी शॉर्ट कमिंग थी यार, अभी तक तो तारीफ कर रहा है भाई ये बड़ा अवेयर था ये वो, डिस्पाइट इज शॉर्ट कमिंग एज ए मैन, हाइडेगर आइडियाज वुड गो टू इन्फ्लुएंस अ वाइड रेंज ऑफ फिलोसफर्स एंड आर्टिस्ट एंड थियोलॉजियंस, यार उसको जैसे भी शॉर्ट कमिंग थी, वो बंदा बहुत बेकार था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो बंदे की जो आइडियाज थे वो काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किए और लोगों को भी इन्फ्लुएंस किए उसने, रेंज ऑफ फिलोसफर आर्टिस्ट थियोलॉजियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है बढ़िया बात है आगे देखते हैं। बट हाइडेगर एक्चुअली स्ट्रगल टू लिव अप टू द ओन आइडियाज, अच्छा बाय द वे यहाँ पे आइडियाज है, तो वो अपने खुद के आइडियाज को स्ट्रगल कर रहा था बंदा, अच्छा ओके। इन 1933 ज्वाइन द नाजी पार्टी, ओ भाई वो चला गया, शॉर्टकमिंग दिखी किसी को, वो नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली भाई ने, हिटलर को ज्वाइन कर लिया, होपिंग इट वुड एडवांस हिज करियर, यार ये CND कॉम्बो है, CND कॉम्बो है, पक्के वाले कॉम्बो है, बी से स्टार्ट होगा, CND कॉम्बो है, जिनको नहीं मिला देख लो दोबारा, दो बार समझाऊंगा ये क्वेश्चन, बी से हम स्टार्ट करेंगे, CND कॉम्बो है, पहले आएगा डी और उसके बाद आएगा सी, पक्की बात है, सृष्टि वेरी गुड, ओके बी, हाइडेगर एक्चुअली स्ट्रगल लाइफ इन ओन आइडियाज, ये उसकी प्रॉब्लम थी, खुद की आइडियाज और एडवांस करूंगा मैं करियर, पर हुआ नहीं, डिस्पाइट इज शॉर्ट कमिंग, सी शॉर्ट कमिंग कौन सी थी जो डी में डिस्कस की गई है, ठीक है ध्यान से, हाइडेगर वुड गो टू इन्फ्लुएंस वाइड रेंज ऑफ फिलोसफर्स, आगे देखो, हाइडेगर लिमिटेड रोया दैट टू मेनी पीपल वेस्टेड देयर लाइफ इन रनिंग द हर्ड रादर देन बीइंग ट्रू, ये आप लोगों के लिए भी लर्निंग है यार, हर्ड में मत रहना कभी जिंदगी में, हाँ हर्ड में रहना सबसे घटिया चीज़ है, एक ओशो साहब का वो है, ओशो आई डेंट लाइक हिम मच बट आई लाइक हिम सम ऑफ द आइडियाज अबाउट ओपननेस अबाउट क्रिएटिविटी, आई लाइक हिम बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी, एंड ही टेल्स लाइक हाउ ह्यूमन बींग्स आर ट्रेन टू विन नोबल प्राइजेस, टू बी इन द सोसाइटी, डोंट डू एनीथिंग आउटसाइड सोसाइटी, इफ यू डू दैट पीपल विल पिन पॉइंट यू, नो नो बी इन द सोसाइटी एंड हेंस द इनोवेशन डजंट हैपन बिकॉज वी ऑल डू थिंग्स विद द सोसाइटी, एनी विच आप लोगों के लिए भी एडवाइस है, अभी ये जो कैट की जो रैट रेस में, हाँ बैंड विगन इफेक्ट बिल्कुल, जो कैट की जो तुम रैट रेस में लगे हुए ना, ये रैट रेस खत्म करनी है और एक खत्म करके फिर निकल लो, फिर निकल लो अपना, एकदम एक्सेंट्रिक रखो अपना, ड्रीम फॉलो करो, ये सब मोह माया है, ये सब करियर कॉर्पोरेट ये सब मोह माया है, बट थोड़े पैसे कमा लेना, ठीक है बड़े थोड़े से पैसे कमा लेना, MBA करने का सिर्फ ये फायदा है, एक पीयर्स बन जाएंगे, दोस्ती यारी इंटेलिजेंट लोगों के साथ हो जाएगी, हार्डवर्किंग लोगों के साथ हो जाएगी, जो कुछ भी काम करेंगे, झाड़ू भी बनाएंगे तो अमेजिंग झाड़ू बनाएंगे, ट्रैवल भी करेंगे तो अमेजिंग ट्रैवल करेंगे, समझ आ रहा है, तो ये कर, हाँ जैसे आपको ट्रैवलिंग पसंद बिल्कुल, जो भी आपका दिल करता है तो ये करो, ये रैट रेस को जीतो फटाफट, खत्म करो, फिर इस रैट रेस में अभी तुम 3 लाख के पैकेज में एंट्री कर मारोगे, 25-26 लाख के पैकेज में बाहर मारोगे, 2 साल वो लाइफ एक जी लो जो मे बी आपके पेरेंट्स ने आपको दी हो या ना दी हो, वो एक रिचनेस वाली लाइफ जी लो, एंड देन ब्लडी फॉलो योर पैशन व्हाटएवर शिट यू वांट टू डू,
एनी विच वेज, बाकी तो मर्जी है। हाइड लाइक तो लेमेंटेड, तो हाइडिगर लेमेंट कर रहा है भाई तू वेस्ट कर अपनी जिंदगी यार हर्ड के अंदर जाके रादर देन बीइंग ट्रू। यार भाई क्या बी और ई में ज्ञान दे रहा है वो, बी और ई में कोई कॉम्बो फॉम्बो नहीं है पर ज्ञान पूर्वक दे रहा है। ई एक ऐसा सेंटेंस था जिसका लिंक नहीं था पर एक ज्ञान पूर्वक बातें बी और ई में कर रहा है, जिंदगी की बातें। ये देखो बी में क्या बोल रहा था, लीडिंग अ फुलफिलिंग लाइफ एक्सेट्रा सेंट्रल कंसर्न है, बाकी लोग तो भाई हर्ड में जीते हैं। जो उसने बोला उसको एक्सप्लेन तो कर रहा है वैसे, यस और नो, बी और ई इज डेडली कॉम्बिनेशन, और ई और डी भी डेडली कॉम्बिनेशन है, हाँ या ना, ई और डी डेडली कॉम्बिनेशन है भाई, पीपल वेस टू टू देमसेल्व्स। ई के बाद आएगा डी, डी में क्या बोल रहा है, हाइडिंगर एक्चुअली स्ट्रगल, बट हाइडिंगर एक्चुअली स्ट्रगल्ड अप विद ओन आइडियाज, ओके बट, तो बी ई डी सी एंड में किससे करेंगे, एंड में करेंगे ए से करेंगे। ए से क्यों एंड करेंगे बच्चों, हाइडिगर नया आदमी आ गया यार, वो बिलीव करता था एरिस्टोटल के नोशन ऑफ बीइंग जो काफ़ी सालों से चल रहा था, 2000 सालों से काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल था साइंटिफिक थिंकिंग में, पर काफ़ी फ्लॉड था यार, काफ़ी फ्लॉड था वो, है ना, एट फंडामेंटल लेवल। एंड में उसने बोला बेड़ा गर्क को एरिस्टोटल वगैरह का, वो एक नया कंसेप्ट आ गया। एक बार दोबारा देखते हैं, जिसका ठीक हुआ प्लस थ्री लगेंगे। ध्यान से देखिए, बी से स्टार्ट करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द डेथ अवेयरनेस एक्सेट्रा, बहुत बढ़िया, फिलोसोफर मार्टिन हेंगर वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और हु इज इंस्पायर्ड ऑन जॉन पॉल की बात करता, सबको इंस्पायर किया उसने। डी के बाद आएगा ई, हाइडिंगर लिमिटेड द टू मेनी पीपल वेस्टेड द लाइफ, पी और ई कॉम्बिनेशन थे बिकॉज वो बता रहे थे उसका जिंदगी का मुद्दा ही था इन्जॉय करना, ठीक है। आगे आएगा डी, बट हाइंगर एक्चुअली स्ट्रगल अप लाइफ, स्ट्रगल किया है उसने जिंदगी, हिज ओन आइडिया। अच्छा एक और यहाँ पे हैक है यार, हिज ओन आइडिया, कौन सा आइडिया था उसका, आइडिया ये थे कि भाई लिमिटेड पीपल वेस्ट देयर लाइफ, उसके दो ही आइडिया थे, और जो ई में बताया गया, समझा, जो ई में बताया गया हर्ड वाला आइडिया, ये उसका आइडिया था। तो ई और डी बी कॉम्बिनेशन था, ई डी सी एक डेडली कॉम्बिनेशन था, उसने फिर अपना बोला स्ट्रगल अप किया, फिर एंड में बोल रहा है भाई डिस्पाइट इज शॉर्ट कमिंग, बंदे की फैन फॉलोइंग तो थी, बंदे की फैन फॉलोइंग तो थी, फिलोसफर आर्टिस्ट को फॉलो करते थे, समझा। एंड में ए, ए वॉज आउट ऑफ क्लास, ए वॉज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, ए सेंटेंस तो लिखते भी नहीं चलता, निकल जाता, तो ए पे क्या आएगा यार, एरिस्टोटल की लोशन को वो निखेद कर रहा है, ठीक है भाई, डन है। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग, होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस क्लास, मजा आया कि तुम लोगों को, यार मुझे पढ़ा के बहुत।